लेकर चलते हैं जहां पर अब्बास अंसारी इस वक्त कब्रिस्तान पहुंच चुका है फातिहा पढ़ने के लिए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये अब्बास अंसारी आपको सफेद कुर्ते में दिखाई दे रहे हैं और अब यहां से फातिहा पढ़ने के लिए अब्बास अंसारी पुलिस वैन में लाए गया है। हमारे ये देखिए सीधी तस्वीरें मौके पर मौजूद है, वहां से क्या जानकारी दे रहे हैं सुनते हैं। अब अब्बास अंसारी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। ये देखिए सीधी तस्वीर है अब्बास अंसारी की, यहाँ पर पहुंच गए हैं और कुछ देर बाद जो है यहाँ पर फातिहा पढ़ेंगे पिता की तर्ज पर, वो भी जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का भी अभियान स्वीकार करते हैं, कोशिश है उनकी पिता की छवि दिखाने की। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए अब्बास अंसारी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे और अब यहाँ पर पहुँचे हैं। निधन के बाद ये पहली मौका है और 17 महीने बाद वो गाजीपुर पहुँचे हैं, इस बार जब उनके पिता नहीं रहे हैं। और अब ये देखिए अब्बास अंसारी यहाँ पहुँचे हैं, करीब 4 बजे गाजीपुर स्थित मोहम्मदाबाद स्थित पैतृक आवास पहुँचे थे और यहाँ से पहुँचने के बाद वो सीधे गए थे घर और वहाँ पर जो तमाम सारे रिचुअल्स थे उनको पूरा किया गया था। और अब ये देखिए उतरते हुए सीधी तस्वीरें अब्बास अंसारी की, अब्बास अंसारी अब यहाँ से कड़ी सुरक्षा के बीच में अंदर जाते हुए जो कालीबाग कब्रिस्तान है वहाँ जाते हुए करीब 1.5 घंटे ये फातिहा पढ़ी जाएगी। इसमें अब्बास अंसारी के साथ उनके भाई उमर अंसारी हैं, इसके अलावा उनके बड़े पिताजी गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी हैं जो पहले ही पहुँच गए थे। ये देखिए तस्वीरें देखिए, वही स्टाइल करने की कोशिश जो कभी मुख्तार अंसारी किया करते थे, तो वही एक स्टाइल है। और यहाँ पर अब वे अंदर जा रहे हैं तो फातिहा पढ़ने मुख्तार अंसारी की कब्र पर, और वहाँ पे फातिहा पढ़ने के लिए इंतजाम किए गए हैं। परिवार के लोगों की तरफ से बात करें तो यहाँ पर परिवार के लोगों की तरफ से यहाँ पर उनके बड़े पिताजी अफजाल अंसारी हैं, तो इसके अलावा उनके जो चचेरे भाई हैं मन्नू अंसारी हैं। सबसे पहले यहाँ पर अफजाल अंसारी पहुँचे, उसके बाद मन्नू अंसारी पहुँचे और मन्नू अंसारी के पहुँचने के बाद अब उनके भाई उमर अंसारी पहुँचे और अब यहाँ पर जो अब्बास अंसारी हैं वो पहुँच चुके हैं। तो अब यहाँ पर सभी लोग इनके पहुंच गए हैं परिवारीजन, और करीबन 11 लोग हैं इस पूरे परिवार के लोग, और वो अब यहां पर फातिहा पढ़ेंगे। तो अब वे आपको फातिहा पढ़ने की तस्वीरें दिखाई देंगे और यहां पर जिस तरीके से तमाम सारी कोशिशें की गई, सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी गई कि बेटे के हक से फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन की पैरोल दी और पैरोल के बाद अब्बास अंसारी आज गाजीपुर पहुंचे और गाजीपुर पहुंचने के बाद गाजीपुर जिला जेल में उनको रखा गया, बैरिक नंबर 10 पे उनको रखा गया। ये बैरिक नंबर 10 वही